Assalamu alaikum students, I am your math teacher of Rainbow Grammar School. Class 1, unit number 3, our topic is about greater than, less than or equal to. Students, first we define greater than. Greater means bada. आपको यहाँ पे सिंबल नजर आ रहा होगा, आपका अगर आपका फेस इस तरफ हुआ तो आपका क्या किसका सिंबल होगा, ये ग्रेटर देन. ग्रेटर देन हमें बताता है कि आपने वैल्यूज को कंपेयर करके बताना है कि आपकी कौन सी वैल्यू जो है, कौन सा जो नंबर है वो बड़ा होगा. जैसे कि सबसे पहले अगर हम आपको काउंटिंग नंबर आना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जिस स्टूडेंट आपके सामने एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ, जैसे आपके एक कॉलम, दो कॉलम से ए और बी, आपके फर्स्ट कॉलम में क्या है, 1, 2, 3 कितने रैबिट्स हैं स्टूडेंट्स, 3 रैबिट्स हैं. और यहाँ पे आपके सेकंड कॉलम यानी कॉलम नंबर बी में कितने रैबिट्स हैं आपके, 1 और 2. तो अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों नंबर्स का कंपैरिजन करना है. कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन हम लोग क्या किस तरह करते हैं, दो नंबर्स को देखकर या क्वांटिटीज को देखकर हम लोग कंपैरिजन करते हैं. ग्रेटर मतलब आपने यहाँ बताना है दोनों नंबर्स में से जो बड़ा होगा आपने उसको कंपेयर कर, उसको रिप्रेजेंट करना है, आइडेंटिफाई करना है. जी स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको सबसे पहले इसका सिंबल बताया था किस तरह, अगर आपका फेस इस तरफ हुआ तो आपका ये जो फेस इस तरफ हुआ तो आपका क्या कहलाएगा, ग्रेटर. और लेस देन का सिंबल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा. नेक्स्ट वीक पे अगर ये फेस इस तरफ हुआ तो वो क्या कहलाएगा आपका, लेस देन. फर्स्ट वी डिफाइन ग्रेटर देन. ग्रेटर देन मैंने अभी आपको बताया था कि आपने सबसे पहले बिग नंबर का, बिग नंबर को आइडेंटिफाई करना है ग्रेटर देन में. जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया आपके 3 रैबिट्स है या आपके 2 रैबिट्स है. जी स्टूडेंट्स, कंपेयर करते हुए ये बात याद रखिएगा, आपने हमेशा फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करना होता है सेकंड से. दोबारा रिपीट कर रही हूँ आपकी ये बात, आपने हमेशा फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करना होता है स्टूडेंट्स किससे, सेकंड वैल्यू से. जैसे कि आपने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2. तो आपने बताना है कि 3 जो है उस 2 से ग्रेटर है या स्मॉलर है. जी स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि जो 3 है आपका क्या है, ग्रेटर है. तो आप इसको कैसे लिखोगे, 3 ग्रेटर देन 2. अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने हमेशा फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करना होता है सेकंड से, तो आपका जो 3 है 3-2, तो आप क्या करोगे, 3 ग्रेटर देन 2. अगर इसको हम इंग्लिश में पढ़ें तो क्या होगा, 3 इज ग्रेटर देन 2. लेकिन हम लोग इसको इस तरह से सिंबल से क्या करेंगे, शो करेंगे 3 ग्रेटर देन 2. इसी तरह अनदर एग्जाम्पल आपकी क्या है, आपके ए और बी दो कॉलम है, आपके फर्स्ट कॉलम में क्या है, 1, 2, 3, 4 लेमन्स है. क्या स्टूडेंट, 4 लेमन्स. इसी तरह आपके बी कॉलम में 1, 2, 3 पेयर्स है. जी स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, हमेशा बिग नंबर को कंपेयर करना है, बिग नंबर आइडेंटिफाई करना है दोनों नंबर्स के दरमियान से. जी स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है 4 आपका फर्स्ट वैल्यू क्या है, 4 आपने फर्स्ट वैल्यू को सेकंड नंबर से क्या करना है, कंपेयर करना है. तब जाके आपने सिंबल लगाना होता है लेस का या ग्रेटर का. लेकिन फिर वक्त हम लोग बात करें ग्रेटर की. जैसे कि हमें पता है कि 4 क्या है, 3 से ग्रेटर है, तो आप लोग क्या लिखोगे, 4 ग्रेटर देन 2. नाउ वी डिस्कस अबाउट लेस देन. लेस देन का सिंबल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. लेस देन मीन्स होता है कम, लेस मीन्स स्टूडेंट्स कम, ग्रेटर मीन्स ज़्यादा, लेस मीन्स कम. लेस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं. ग्रेटर में हम लोग सबसे बिग नंबर को और लेस में हम लोग सबसे छोटे नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं. चलिए आपको मैं एक बार आपके एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. आपका ए और बी दो कॉलम है, एक कॉलम में 1, 2, 3, 4 फ्लावर्स हैं स्टूडेंट्स, जबकि बी कॉलम में आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या है, बटरफ्लाइज है. अब अगर आपको बताया था लेस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे कम नंबर को, सबसे छोटे नंबर को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. जी स्टूडेंट्स, 4 आपने इसी में भी आपने फर्स्ट वैल्यू की नस्बत सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करना है हमेशा सेकेंड वैल्यू से. अब आपको पता है 4 लेस देन 6 यानी 4 हमेशा छोटा है 6 से, तो आप लोग फिर सिंपल फॉर्म में कैसे लिखोगे, 4 लेस देन 6. इसी तरह आपकी सेकंड एग्जांपल आपको नज़र आ रही होगी, 1, 2, 3, 4, 5 आपके एक कॉलम में 5 बनानास हैं, जबकि आपके बी कॉलम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या है, एप्पल्स है. अब आपने इन दोनों का कंपैरिजन करना है. लेस मीन्स छोटा, यानी आपने सबसे छोटे नंबर को आइडेंटिफाई करना है. जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 5, आपने 5 को कंपेयर करना है 7 से. अब आपको पता है कि 5 क्या 7 से छोटा है, तो आप इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में कैसे लिखोगे, 5 लेस देन 7. जी स्टूडेंट्स, आवर थर्ड टॉपिक इज अबाउट इक्वल. जी स्टूडेंट्स, वी डिफाइन इक्वल टू. इक्वल टू में स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, ना तो आपके पास कोई नंबर ग्रेटर होता है, ना तो आपके पास कोई नंबर लेस होता है, ना तो ये आपके पास एक नंबर ज़्यादा होगा, ना तो आपके पास एक नंबर कम होगा. यानी दोनों नंबर्स क्या होंगे, आपके बराबर होंगे. इक्वल मीन्स बराबर, सेम. जैसे कि आपके सामने आपके कॉलम में एग्जाम्पल्स में नजर आ रहा होगा, 1, 2, 3, 4 फ्लावर्स हैं. इसी तरह यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4 फोर्स क्या है, बर्ड्स है. अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप दोनों कॉलम में क्या है, 4 4 है, ना तो या कोई नंबर छोटा है, ना तो कोई नंबर बड़ा है. ऐसे उसमें जहाँ पे दोनों नंबर्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं. इक्वल टू का सिंबल कैसे आपके सामने नजर आ रहा होगा, इस तरह की दो लाइन्स. यानी इक्वल टू ये बात बताती है कि आपके दोनों कॉलम में यानी दोनों वैल्यूज में बराबर ही है, यानी कि ना तो कोई छोटा है, ना तो कोई बड़ा है. इसी तरह आपके दूसरी एग्जाम्पल भी क्या है, 1, 2, 3 डियर्स हैं आपके, 1, 2, 3 आपके लीव्स हैं, यानी दोनों
दोनों कॉलम में 3-3 आपकी अमाउंट है, यानी आप लोग ना तो उसमें से कोई कम है ना तो कोई ज़्यादा है। तो इक्वालिटी हमें क्या बताती है, दोनों नंबर्स की बराबरी बताती है। जिस वर्ड्स नाउ वी डू पेज नंबर 20, आपकी एक्टिविटी नज़र आ रही होगी, आपने इसको सॉल्व करनी है। सबसे पहले आपने ग्रेटर का कॉन्सेप्ट याद रखना है, उसके बाद लेस देन का, उसके बाद इक्वल टू का। ग्रेटर में हम लोग सबसे बिग नंबर को चूज़ करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, दो नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन करके ग्रेटर वैल्यू यानी बिग नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। लेस देन में हम लोग दोनों नंबर्स का कंपैरिजन कर सबसे छोटी वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। और इक्वल टू में आप क्या करते हैं, दोनों नंबर्स की बराबरी चेक करते हैं कि दोनों में बराबर है या नहीं। जी स्टूडेंट्स, अंडर क्वेश्चन नंबर आपको हम लोग करने लगे पेज नंबर 20 की एक्सरसाइज। आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपके उन्होंने करके दिखाए हैं, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपको मैंने पहले भी बात बताई थी, आपने हमेशा फर्स्ट नंबर को कंपेयर करना है सेकंड नंबर से। जी स्टूडेंट्स, 5-3, अब आपको पता है 5 क्या है, 5 को आपने कंपेयर करना है 3 से। 5 ग्रेटर देन 3, तो आपने उन्होंने क्या कर दिया, इसका ग्रेटर का सिंबल लगा दिया। जी स्टूडेंट्स, ग्रेटर और लेस का उसमें कन्फ्यूज़ ना होइएगा बिल्कुल भी। ग्रेटर का सिंबल इस तरह होता है और लेस का सिंबल इस तरह होता है। इसी तरह आपका नेक्स्ट उसमें उन्होंने क्या है, 11-2, यानी 11-12 से क्या है, आपका छोटा है या बड़ा, आपने ये बताना है। 11 less than 2, अब हमें पता है कि 11 जो है 12 से छोटा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्वल टू का साइन 6-6, अब आप देखिए दोनों तरफ ना तो कोई छोटा है ना तो कोई बड़ा है, तो जहाँ पर बराबरी हो, बिल्कुल इक्वालिटी हो, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13-10, और आप देखिए स्टूडेंट, 13 को आपने कंपेयर करना है 10 से। जैसे कि हमें पता है 13 10 से क्या है, बड़ा है, हम लोग इसके बीच में क्या सिंबल लगाएंगे, ग्रेटर देन का। जी स्टूडेंट, इसी तरह आपका 2-0, यानी अब हमें पता है हमें 0 से 2 को कंपेयर करना है, अब हमें पता है 0 छोटा है और 2 क्या है, बड़ा है, हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन का सिंबल। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 6-4, यानी 6 को आपने कंपेयर करना है 4 से, अब हमें पता है 6 क्या है, 4 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे। इसके रिमेनिंग स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन खुद करने हैं। इस तरह आज हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हमारा इंशाल्लाह टॉपिक न्यू स्टार्ट होगा, वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर।